Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा बेडरूम का शॉपिंग हॉल वीडियो। और यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे ज्यादातर मैंने होम सेंटर से परचेस किया है। मेरे घर पे ज्यादातर सामान होम सेंटर के है क्योंकि होम सेंटर की प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पसंद भी आ जाता है बहुत जल्दी। मैं सोचती हूँ मतलब जाके देख के आ जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना पसंद आ जाता है कि मैं परचेस कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने रूम की लिए कुछ चीजें परचेस किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने अपने रूम के लिए क्या क्या परचेस किया है। क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैट से स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट है ये मैंने होम सेंटर से लिया है। मेरे बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट है उसके डोर के पास ये डोर मैट मैं यूज कर रही हूँ और ये काफी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हर एक चीजों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पे उसका प्राइस लिखा रहेगा। और एक बात कि मैंने ज्यादातर सामान उसके स्टोर में जाके लिया है, मतलब ऑनलाइन होम सेंटर से परचेस नहीं किया है। लेकिन मैं जब ऑनलाइन उसको सर्च कर रही हूँ उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन मैंने जब स्टोर से लिया था उसका प्राइस थोड़ा कम था। तो मुझे लगता है स्टोर में जाके लेने का ज्यादा मतलब ये ज्यादा फायदे में रहेगा आपका। और उसके बाद आता है जो बेड के पास मैंने जो मैट बिछाया है ये वाला, ये एक्चुअली टॉयलेट के लिए है, मतलब बाथरूम में यूज किए जाने वाले, लेकिन मुझे इस टाइप का बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं डोर के पास मतलब एक मैंने लिया है ये बेड के पास और एक मैंने लिया है टॉयलेट के डोर के पास, अटैच टॉयलेट जो है उसके डोर के पास। तो मैं एक्चुअली दो मैट ही ना सेम ढूंढ रही थी इस टाइप का, लेकिन वो साइज में थोड़ा बड़ा था, मतलब ये साइज से बड़ा साइज था तो मुझे इतना बड़ा साइज लेना नहीं था तो मैंने इसलिए उसको लिया। और उसके बाद आते हैं ये एक्चुअली कुशन कवर है मेरे बेड के लिए, इस टाइप का प्लेन है, कोई इसके ऊपर वर्क मैंने लिया नहीं है क्योंकि बेड के लिए है तो मैं थोड़ा प्लेन ही पसंद करती हूँ। तो ये दो है तो मैंने इस टाइप का दो लिया है। जैसे कि मैंने ये कुशन कवर लिया, कर्टन लिया, तो उसपे ना मुझे जिप टाइप का ये बैग मिलता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं रख देती हूँ। जब मैं ट्रेवल करती हूँ ना तो इस छोटे छोटे पाउच में मैं अपने सामान को सेपरेट करके लेके जाती हूँ। ये एक पिलो कवर है, ये मैंने ऑनलाइन से लिया है, ये होम सेंटर का नहीं है, ये अमेजोन से लिया है मैंने। और इसके ऊपर ना मिस्टर एंड मिसेस लिखा हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहती थी मेरा जो पिलो कवर हो एकदम व्हाइट ना हो, उसके ऊपर कुछ भी टच रहे। तो ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया, फिर जाके मुझे इस टाइप का मिला, मिस्टर एंड मिसेस, हस्बैंड वाइफ, यू एंड मी, इस टाइप का बहुत कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली उल्टा है, यहाँ पे मिसेस लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये खरीदा और इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। और मैंने लिया है एक बेड कवर व्हाइट कलर का, ये मेरा बहुत शौक था इस टाइप का एक मतलब व्हाइट कलर का बेड कवर लू। इसके साथ दो पिलो है, ये मैंने होम सेंटर से लिया है और इसके साथ भी पिलो था लेकिन मुझे एक्चुअली प्लेन व्हाइट नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने वो वाला ऑनलाइन से परचेस किया है। तो इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये नेट वाला कर्टन लिया है, एक्चुअली ये एकदम प्लेन नेट नहीं है, इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ है इस टाइप का, तो इस टाइप का डिजाइन बना है। और एक्चुअली नेट का कर्टन मैं यूज करती हूँ जब डे टाइम होता है तो नेट लगा के रख देती हूँ तो लाइटिंग जो है बहुत अच्छा आता है रूम में, तो इसलिए नेट का जो कर्टन होता है वो मैं यूज करती हूँ। और नाइट के लिए मैं दूसरा कर्टन यूज करती हूँ, वो भी मैंने लिया है होम सेंटर से। तो इस टाइप का मैंने दो कर्टन लिया है, मतलब आपको दोनों ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक पेयर रहता है। तो इस टाइप का मैंने ये दो कर्टन व्हाइट कलर का लिया है। इस टाइप का ब्लू कर्टन मैंने लिया है, ये प्लेन ब्लू कर्टन है लेकिन ये बहुत ही शाइनी है और मैंने ऑनलाइन से भी एक बार परचेस किया था
लेकिन क्या होता है ना ऑनलाइन में आप एक तो मैं उसको मैंने रिटर्न कर दिया था, पिंक कलर का लिया था शायद, मेरा लास्ट जो शॉपिंग हुआ वीडियो गया था उस पर आप लोगों ने देखा था कि एक पिंक कलर का मतलब मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन उसका साइन ना थोड़ा अजीब सा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसका साइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्लासी लगता है मुझे इस टाइप का। तो ये एकदम प्लेन है और इसका जो ये है ना जो सर्कल वाला ये भी बहुत अच्छा है, वॉश करने से इसका कलर भी नहीं जाता है, टूटता भी नहीं है, मतलब अभी तक तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, तो इसलिए मुझे ये चीज अच्छा लगता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत दिनों के लिए ये मतलब बहुत दिन तक आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब आप इसको यूज करके बोर हो जाओगे लेकिन ये जैसा कि तैसा ही रहेगा। और एक बात, मैं होम सेंटर के जितने सारे कर्टन मैं यूज करती हूँ मैं उसको मशीन वॉश नहीं करती हूँ, मैं हैंड वॉश करती हूँ थोड़ा सा डिटर्जेंट की पानी में डाल के, उसके बाद क्लीन पानी से वॉश करने के बाद मैं उसको हैंग कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, एक्चुअली मैंने एक बार मशीन में डाला था, मुझे उसको आयरन वायरन करना पड़ा, फिर मतलब उसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ा मुझको उसको ठीक करने के लिए। तो हैंड वॉश आप अगर करोगे तो जस्ट हैंग करने के बाद ही उसको आप ड्राई होने के बाद वो आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैं हैंड वॉश करती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है ये कॉम्फर्ट, ये ब्लू कलर में मैंने लिया है, इसके काफी सारे कलर आपको मिल जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना सॉफ्ट है ना। और कृति का जो पिंक कलर का कॉम्फर्ट मैंने आपको दिखाया था उससे भी हल्का है ये बहुत अच्छा है। और इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, इसका प्राइस मुझे कुछ याद नहीं है अभी। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं इस लाइट की तरफ जो कि मेरी सबसे फेवरेट शॉपिंग है इस बार का। ये हमने ऑनलाइन से परचेस किया था और हम लोगों को ना व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ चाहिए था, तो हमने जब सर्च किया तो इस टाइप का मिला। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे पूरा व्हाइट आपको मिलेगा, पूरा ब्लू मिलेगा और भी बहुत सारे कलर है, ऑफ व्हाइट, ये सारे कलर वहाँ पे अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूंगी आप चेक कर लीजिएगा। और इसका लुक इतना क्लासी है ना मैं क्या बताऊँ, आप लोग ही बताइए कि ये कैसा लग रहा है। ये मेरा सबसे फेवरेट शॉपिंग है और इसके साथ इस टाइप का लाइट हम लोगों को फ्री में मिला। और हाँ, ये मैंने दो लिया है, दो साइड टेबल के लिए दो लिया है, उसके साथ बल्ब भी हम लोगों को साथ में ही मिला था। और मैंने होम सेंटर से कुछ सामान डेकोरेशन के लिए लिया है, वो है ये एक लैम्प जो रेड कलर का मेरे पास था ऑलरेडी, और ये कलर का मैंने लिया, गोल्डन कलर का है। और ये दो कैंडल होल्डर भी मैंने लिया है बेडरूम के लिए। और मैंने लिया है होम सेंटर से ये सामान, ये दो के साथ ये एक फ्री है और एक एक का प्राइस है 199। अगर आप इसको ऑनलाइन में परचेस करने जाओ तो ये थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, मतलब 249 में मिल रहा है आपको 3 पीसेस ऑफ ये लैम्प, आपको 249 में मिल रहा है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन से अगर आप इसको परचेस करो तो। तो दोस्तों ये था मेरा होम सेंटर का शॉपिंग वीडियो, और मेरा सबसे फेवरेट जो हाइपर मार्केट है वहां से भी मैंने दो चीजें लिए हैं, वो है ये क्यूट सा बनी का एक फैमिली। एक्चुअली मैं चाहती थी मेरे बेडरूम में एक गार्डन का लुक क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए मैंने इस टाइप का कुछ सामान परचेस किया, तो ये मैंने एक लिया। और मैंने लिया ये कैंडल है, ये एक्चुअली बकेट की जैसा, बकेट के अंदर कैंडल है, तो ये भी मैंने वहां से परचेस किया, तो ये दो चीज मैं वहां से परचेस किया मैंने। और उसके बाद दो छोटे छोटे सबसे क्यूट वाला जो शॉपिंग मैंने किया है वो है ये दो छोटे छोटे क्यूट वाला शॉपिंग मैंने किया है, ये हमने मार्केट 99 से लिया है। और मार्केट 99 से मैंने और एक चीज लिया है, वो है ये ब्लू कलर का ये शिप जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और लकीली हम लोगों को ब्लू कलर में मिल गया था। हम लोग एक्चुअली शिप लेने गए थे लेकिन ब्लू कलर का मिल जाएगा ये हम लोगों को पता नहीं था, तो फाइनली ब्लू कलर का मिला लकीली। सो ये मार्केट 99 से मैंने लिया। अच्छा, तो मार्केट 99 से मैंने वही दो चीज लिए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल वीडियो, और ये सारा सामान मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया है, और बेडरूम का जो टूर वीडियो है ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया है क्योंकि ये वीडियो से पहले वो वीडियो मैं पब्लिश करने वाली हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो जरूर देखना, और इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा और बताना मुझे कि कैसा लगा, कैसा हुआ है मेरा डेकोरेशन। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।